सिबा 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 इनू, सबके मन में ये सवाल है, क्या ये 10 रुपये जा सकता है दोबारा? ये 100x 1000x क्या फिर से प्रॉफिट दे सकता है, या ये $1 जाएगा, 1 सेंट जाएगा, भाई क्या होगा इसका? ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है सिबा इनू, लेकिन आज कुछ ऐसी न्यूज़ को कवर करेंगे और प्रेडिक्शन भी करेंगे कि लगभग कब ये 1 सेंट जा सकता है, कब ये 10 रुपये जा सकता है, कब ये $1 जा सकता है, कब ये $100 जाएगा। हाँ हाँ, आपको सुन के अजीब सा तो लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये तो है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी लोग इसको मीम कॉइन की तरह नहीं देख रहे हैं, और अभी ये मीम कॉइन है भी नहीं। सिबा इनू अब इसमें काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटीज़ ऐड हो चुकी हैं। आपको भी पता है ये मीम कॉइन की जैसा स्टार्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन अब ये मीम कॉइन नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले तो इसकी प्राइस के बारे में देख लेते हैं, जो कि थोड़ी सी डाउन चल रही है, थोड़ी सी यानी कि 5%, 5.2 समथिंग, तो जो कि अगर पिछले हफ्ते में देखें तो 50% से ज़्यादा ऊपर है। तो अभी जिन्होंने आज से 10 दिन पहले 20 दिन पहले या फिर डाउन पे ख़रीदा होगा ना, वो फ़ायदे में ही होगा। इसका ओल्ड टाइम चार्ट देखते हैं एक बार। ये देखो, इसके एक पैटर्न है, अगर आपने इसको लंबे समय से होल्ड किया हुआ है तो आपको पता होगा कि इसका एक पैटर्न है, एक जैसे कि ओल्ड टाइम हाई बनाता है हमेशा, फिर से ये डाउन आता है, लेकिन डाउन उतना नहीं आता है जितना ये पहले था, उससे ये ऊपर ही रहता है और फिर साइड वेव्स में चलता है, वापस से ये वही करता है और फिर ऐसे साइड वेव्स करता हुआ और फिर से ये पंप करता है। और अब ये पंप अभी कर रहा है, तो ये यहाँ से ये अभी और पंप करने की इसकी मतलब र्यूमर्स हैं, और र्यूमर्स नहीं है, सच में ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके इसकी जो टीम है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा फोकस कहीं ना कहीं, अगर आप कहीं भी हर न्यूज़ में देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बर्निंग से रिलेटेड ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि सिबा स्वैप है, उसमें बर्निंग का नया फीचर ऐड किया था सितोशी कुसामा जी के द्वारा, और उन्होंने बोला था कि जो बर्निंग की जो रेट है उसको डबल कर देंगे। उसके बाद में जो अभी अभी इसका पार्टनरशिप हुआ, इसका खुद का रेस्टोरेंट हुआ है वेल्ले, तो उसका भी जो उससे भी जितना भी इनकम होने वाला है, उससे भी क्या होने वाली है, बर्निंग। एक स्टीवन कूपर है जो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो अभी 14 फरवरी को बहुत बड़ी बर्निंग इवेंट लाने वाले हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिलियंस ऑफ टोकन, हो सकता है 1, 2, 3, लेकिन बिलियन में टोकन बर्न होने वाले हैं। और उन्होंने अपनी एक म्यूज़िक प्लेलिस्ट भी ऐड की है, उसके थ्रू वो बर्निंग कर रहे हैं, तो मतलब बर्निंग ही बर्निंग पे फोकस हो रहा है। तो कुल मिला के इनका जो विज़न है वो क्लियर दिख रहा है कि ये अपनी सप्लाई को रिड्यूस करने वाले हैं, रिड्यूस करने का ही इनका कहीं ना कहीं विज़न रह गया है, क्योंकि ये अब कम्पीट बाकी मीम कॉइन से नहीं कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं कम्पिटिशन अब सीधा सीधा डोज कॉइन से है और काफ़ी जो स्टेबल कॉइन है। कहीं ना कहीं इनका जो विज़न है वो क्लियर इस मामले में भी दिखाई दे रहा है कि अपनी मार्केट कैप को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए इसकी बाकी की अपडेट जान लेते हैं और थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं सिबा इनू, जो जिन्होंने इनको होल्ड किया हुआ है वो। तो इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाने वाला हूँ, हालांकि आप में से कई लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ। तो इसकी से जो सप्लाई है वो 1 क्वाड्रिलियन के आसपास दिखाते हैं, मैक्सिमम टोटल सप्लाई, ठीक है, लगभग उतनी ही है, मतलब थोड़ा बहुत कम दिखा रहे हैं, मतलब 999 ट्रिलियन समथिंग, तो लगभग 1 क्वाड्रिलियन है। तो इसका जो इसके जो होल्डर्स हम देखते हैं, और इसका जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो मैंने खोला हुआ है अभी, ये देख सकते हो आप यहाँ पे नल एड्रेस, जो ये बर्निंग एड्रेस इनका खोला हुआ है। तो इसके आप पहले तो इसके ट्रांजेक्शन देख लो, जो पिछले 24 आवर्स में भी देख लो, जैसे कि रिसेंट ये 5 ट्रांजेक्शन हैं, इसमें आप देख लो कि मिलियन में टोकन बर्न हो रहे हैं, और ये डेली होता है, ये रेगुलर बेसिस पे होता है, मतलब इसके 5-6 मिलियन, कभी 10 मिलियन, कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो इतनी ये बर्निंग डेली हो ही रही है इसके ट्रांजेक्शन के थ्रू, सिबा स्वैप के थ्रू। इसका एक आपको पता होगा, इसका एक खुद का एक ब्राउज़र भी है, जिसकी भी जितना भी रिवेन्यू बनता है उससे भी इसकी बर्निंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ इसकी बर्निंग पे ही फोकस कर रही है, इसकी मार्केटिंग पे, इसकी पार्टनरशिप पे, इसकी यूटिलिटीज़ बढ़ाने में। तो इसका भी सीधा सीधा कंपटीशन हमेशा रहने वाला है फ्यूचर में, कि स्टेबल कोइन से ओनली। अब ये मीम कोइन है नहीं, लेकिन अपन ने ये शुरू से ही मीम कोइन के जैसे देखा था, तो लोग अभी इसको मीम कोइन ही बोलते हैं। तो इसका जो वो बनता है जो इसको प्रमोट कर रहा है, इसकी बर्निंग इवेंट जो लाने वाला है 14 फरवरी को स्टीवन कूपर, आप इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो फॉलो कर लेना ट्विटर पे। तो ये इन्होंने बताया है कि देखो, ये फॉर न्यू कमर्स वी हैव क्रिएटेड म्यूजिक प्लेलिस्ट दैट बर्न सिब व्हाइल यू लिसन। तो मतलब ये जस्ट सपोर्ट मांग रहे हैं, और सपोर्ट भी किससे मांग रहे हैं, सिबा आर्मी से ही मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो चाहे तो सीधा कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, इनके मतलब ये वॉलेट एड्रेस भी प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन जो मतलब ये भी है ना कि होल्डर अपने क्यों देगा, जो छोटे होल्डर है अपने जैसे, वो क्यों इनमें मतलब बर्निंग के लिए अपने कॉइन देगा। तो उन्होंने
इन्होंने मतलब उनके लिए एक रास्ता निकाला है कि जो ये प्लेलिस्ट म्यूजिक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको सुनो, उससे जो इनकम होगा उससे ये सिप बर्न करेंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये सिप की बर्निंग को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। और ये जो फोक्स बीट है इसमें मतलब ये इस महीने में लिस्ट हो जाएगा, मतलब अभी इसी महीने में, मतलब फरवरी में ही लिस्ट हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे शायद इसका चार्ट वगैरह अवेलेबल कर दिया होगा। ट्रेडिंग नहीं हुआ, पर ट्रेडिंग मतलब अभी इस महीने में हो जाएगा, तो ये नया है। और उसके अलावा जो ट्रेंडिंग ट्वीट में आ रहे हैं वो ये है, देखो ये जो सिब एंजल करके कोई अकाउंट है तो ये ट्रेंडिंग में दिखा रहा है, ये देखो टॉप, मैंने सिब आर्मी करके टॉप लिखा हुआ है, तो ये ट्वीट आ रहा है सामने। तो जो ये ट्वीट है आ गया, तो जो ये ट्वीट है ये मतलब उसके उसके बारे में था, शायद गायब हो गया। मैं उसके बारे में ये था कि मतलब वो कह रही है कि मतलब या हमें सिब मतलब सिब एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब जैसे वो डॉक्टर है तो वो बोल रही है कि पेमेंट मेथड में मुझे सिब एक्सेप्ट करना चाहिए अब, ऐसे टाइप का। तो और हाँ ये देखो वेल सी 20 घंटे पहले ही है, सिबा इन्होंने ये ट्वीट किया है कि 36.8 बिलियन सिब बोर्ड बाई सेवरल वेल्स जस्ट नाउ। तो मतलब इसमें एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि लोग कन्फ्यूज इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस अभी जैसे काफ़ी बड़ा हुआ है, अगर पिछले हफ्ते से देखें तो इसका प्राइस अभी भी मतलब 40% से 40% से अप है, फिर भी लोग मतलब इसमें लोग नहीं वेल्स बाई कर रही हैं। मतलब ऐसा क्या है, मतलब वो देखो वेल्स पागल तो है नहीं, उन्होंने कुछ तो देखा है, कुछ तो देखा है इसमें कि हाँ ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए वो बाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर ये डाउन आने वाला है या इसको मतलब लो प्राइस पर ख़रीदना होता तो वो पहले ख़रीदते या फिर अब वेट करते इसका डाउन आने का, लेकिन नहीं वो हाई पे भी ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब इसमें समझ रहे हो ना, अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, हर चीज़ बताने की बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा मेरा ये मोटो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही था कि देखो इसमें मेन जो मैंने पूरा जितना भी मैंने देखा है इसका न्यूज़ वगैरह सारा कुछ, और इसकी जो इंटेंशन नज़र आ रही है वो साफ साफ ही आ रही है कि जैसे कई लोगों का क्वेश्चंस भी होते हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स मुझसे पूछते रहते हैं कि ये 10 रुपये भी जा सकते हैं भाई, ये ₹1, ₹10, $1, और आने वाले अगर आप 10 सालों की बात करोगे तो ये $1,000 भी जाएगा, $100 भी जाएगा, और ये फैक्ट है, ये जाना ही जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मेटावर्स में इसकी नई नई एंट्री हो रही है तो 100% पंप ये अभी से और ले सकता है आगे, तो ये 1 सेंट तो बहुत इजीली पहुंच सकता है, मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में पहुंच सकता है, मतलब 2022 में कम्प्लीटली ये पहुंच जाएगा 1 सेंट, तो है ना। तो मतलब ₹1 का इसका जो रास्ता है वो इतना बड़ा नहीं है। हाँ बस एक ही जो चीज़ है जिसकी वजह से मतलब जो इसका प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं लोग वो ₹1 नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी सप्लाई ज़्यादा है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि इसके जितने भी इसमें इवेंट आ रही हैं, जितने भी इसमें अपडेट्स आ रही हैं, सारी बर्निंग से रिलेटेड ही हैं, तो कहीं ना कहीं बर्निंग इसकी होती ही रहेगी और सप्लाई इसकी रिड्यूस होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो इसका इसका जो भी मार्केट कैप है तो उसको भी जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि वो 10x हो जाएगा, हालांकि इतना आसान नहीं है, 10x होगा तो ये टॉप 5 में, टॉप 3, टॉप 4, मतलब ये सबको पिछाड़ने वाला है, फिर XRP वगैरह को भी पिछाड़ देगा मार्केट कैप के मामले में, जो कि बहुत ही टफ है, पर हो भी सकता है क्योंकि ये हर चीज़ में घुस रहा है अभी। अगर इसको मतलब टेस्ला एक्सेप्ट कर ले, अमेजोन कर ले, MC डोनाल्ड कर ले, बर्गर किंग कर ले, तो इसकी यूटिलिटीज़ तो बहुत बढ़ गई ना, तो ये ₹1 क्या ₹10 भी जा सकते हैं इस सप्लाई के साथ भी, क्योंकि मार्केट कैप इतना ज़्यादा हो जाएगा फिर। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इसको, मतलब आप ऐसी भी उम्मीद लगा के मत बैठो कि ये 2022 में आपको 1000x दोबारा ऐसा दे सकता है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन हाँ ये है कि 1 सेंट तो ये ज़रूर जाएगा और इसमें आपको लॉस होने वाला है नहीं, अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो होल्ड करके ही रखो इसको। तो यही था बस मोटिवेट करने के लिए था, और अगली में एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, शायद कल अपलोड कर दूंगा, मतलब और एक मेरी प्रीवियस वीडियो भी है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा उसका। 2 नए टोकन है गाइज, उनको ज़रूर से बाय कर लेना, एक का नाम है कैडिनो और एक का नाम है बेबी फ्लोकी डोज, नहीं, बेबी फ्लोकी सिप, सॉरी सॉरी हाँ, दोनों देख लेना, चेकआउट कर लेना उस वीडियो को अच्छे से, बहुत अच्छी वीडियो है, और उन टोकन्स को ज़रूर ले लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।